दोस्तों, हिंद महासागर में जैसे जैसे चीन की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, भारत भी उसी तरह से अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। हालांकि इस बात की संभावना काफी ज्यादा कम है कि चीन हिंद महासागर में भारत से उलझने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी भारत अपनी तैयारी पूरी करके आगे बढ़ रहा है ताकि भविष्य में हमें चीन की तरफ से आने वाली चुनौतियों का सामना करने में कोई भी परेशानी न आए। जहां एक तरफ भारतीय नौसेना अपने बेड़े को और ज्यादा मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, वहीं पर दूसरी तरफ चीन भी भारत के इर्द गिर्द अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके, जिसके है चीन पाकिस्तान और भारत के पास मौजूद कई देश में अपनी नौसेना की मौजूदगी को बढ़ा रहा है, जिसके तहत अक्सर चीनी युद्धपोत इन देशों में जाकर ठहरते हैं। हाल ही में हमने देखा है कि कैसे चीनी नौसेना का एक जासूसी जहाज हिंद महासागर में आ गया, वहीं जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में तैरता रहा ताकि भारतीय नौसेना इसे खदेड़ ना सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत को अपना एक बेहद ही महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण पोस्टपोन करना पड़ा था। हालांकि भारत चीन को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, लेकिन सबसे पहले हम चीन की रणनीति को समझते हैं, फिर उसको काउंटर करने के लिए भारत ने अभी क्या कदम उठाया है उसके बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, जिबूती और केन्या जैसे देशों में अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा है और लगातार अपनी नौसेना की मौजूदगी भी बढ़ाते जा रहा है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। स्ट्रिंग ऑफ पल्स के ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुके हैं। अगर आप इन सभी देशों को ध्यान से देखेंगे तो एक बात तो साफ हो जाती है कि ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं और हिंद महासागर में मौजूद हैं, जिससे चीन भारत के चारों तरफ अपनी नौसेना भेज सकता है और भारत पर दबाव बना सकता है, जिसे काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इसमें फ्रांस एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स को काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत भारत समुद्री बंदरगाह और सैन्य अड्डों का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर रहा है, जिसका इस्तेमाल करके भारत चीन के चारों तरफ न कि केवल अपनी नौसैनिक मौजूदगी मजबूत करेगा, बल्कि हमारी सैन्य मौजूदगी भी चीन के चारों तरफ मौजूद होती रहेगी, जिसके तहत भारत ईरान, ओमान, इंडोनेशिया, सेचल, फ्रांस, सिंगापुर, वियतनाम, जापान और मंगोलिया जैसे देशों में अपनी सैन्य और नौसैनिक मौजूदगी को मजबूत कर रहा है, जिसमें फ्रांस एक काफी महत्वपूर्ण भागीदार है। फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड हिंद महासागर में काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। ऐसे में फ्रांस और भारत के बीच बढ़ती नौसैनिक साझेदारी चीन पर दबाव बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साल 2020 में ही भारतीय नौसेना का एक P-8I विमान फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड में तैनात किया गया था, जहां पर हमारे इस विमान ने फ्रेंच नौसेना के युद्धपोत के साथ मिलकर जॉइंट सर्विलेंस मिशन को अंजाम दिया और ये बात साबित की कि जरूरत पड़ने पर दोनों देशों की नौसेना एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण सर्विलेंस और सर्च मिशन को अंजाम दे सकती है। वहीं भारत ने इस विमान को फिर से यहां पर तैनात कर दिया है, जिससे चीन पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा भारतीय नौसेना लगातार अपने पुराने उपकरण को अपग्रेड कर रही है, साथ ही नए युद्धपोत और हथियारों को भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इनोवेटिव नेवल सॉल्यूशन का विकास करने के तहत भी काम कर रही है, जो कि भारतीय नौसेना की क्षमता को पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीनी नौसेना की मौजूदगी हिंद महासागर में काफी ज्यादा बड़ी है, जिससे निपटने के लिए भारत का तैयारी करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत इसे लेकर काम भी तेजी से कर रहा है, ताकि हम भविष्य में चीन की तरफ से आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर कनाडा से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब कैनेडियन सरकार ने एक काफी बड़ा फैसला लिया है कि अब कनाडा में रहने वाले भारतीय लोग भी, जिनके पास कनाडा की नागरिकता है और वे स्थायी रूप से कनाडा में बस चुके हैं, वे भी अब कनाडा की सेना में शामिल हो सकते हैं, जो कि वहां बसे भारतीय के लिए काफी बड़ी बात है। हर साल हजारों की संख्या में लोग कनाडा जाते हैं, कुछ रोजगार के लिए तो कुछ पढ़ाई के लिए। कनाडा विश्व की कुछ सबसे विकसित देशों में से एक है, जिसकी वजह से कई भारतीय वहीं पर काम करके वहीं पर बसना पसंद करते हैं। ऐसे में ऐसे भारतीय लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जिनके पास कनाडा की स्थायी नागरिकता मौजूद है, जिन्हें कैनेडियन सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले का काफी बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अब ये लोग कनाडा की सेना में भी शामिल हो सकेंगे, जो कि कैनेडियन सरकार द्वारा इन भारतीय लोगों पर भरोसे की सबसे बड़ी पहचान होने के साथ साथ एक काफी बड़ा अवसर भी है, जिससे कई भारतीय अपने कैरियर को सैन्य सेवा के साथ और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, कनाडा और कई पश्चिमी देशों में सैन्य सेवा कुछ सालों के लिए की जाती है, जिससे बाहर निकलने पर देश के अंदर नौकरी मिलने में और ऊंचे पदों तक पहुंचने में आसानी होती है, जिसकी वजह से कई युवा पहले 3 से 4 सालों की सैन्य सेवा देना पसंद करते हैं, जिसके बाद वे मिलिट्री छोड़कर अपनी आम जिंदगी में लौट आते हैं। और अब कनाडा में मौजूद भारतीय मूल के लोग भी ऐसा कर सकेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।